हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट एनकाउंटर। सो गाइस, आईपीएल 2023 फैंस के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का सीज़न रहा था, क्योंकि गाइस इस साल के सीज़न में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिले थे और बहुत सारे थ्रिलर मैचेस हमने इंजॉय करे थे। तो बेस्ट वर्सेज बेस्ट का इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2024 में जो है हमें कौन से कैप्टन्स नज़र आने वाले अपनी टीम की तरफ से, मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले, क्योंकि गाइस बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस साल के आईपीएल में हमें देखने को मिल सकता है। अगले साल के आईपीएल में जो है बहुत सारे प्लेयर्स कमबैक करने वाले हैं, जो कि इंजरी के कारण जिन्होंने जो है इस साल का आईपीएल मिस कर दिया था, उसमें बहुत सारे कैप्टन्स भी शामिल है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखें। और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखना और लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑरेंज आर्मी यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से। तो एसआरएच की कैप्टेंसी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि गाइस अगले साल के ऑक्शन में जो है स्टीवन स्मिथ आने वाले हैं और एसआरएच की टीम हो सकता है कि स्टीव स्मिथ को जो है एज अ कैप्टन टारगेट करे, क्योंकि एडन मार्करम की कैप्टेंसी में जो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बॉटम ऑफ द टेबल थी और एडन मार्करम जो है मतलब अंडर प्रेशर नजर आ रहे थे, बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे थे और साथ ही साथ उनकी कैप्टनसी भी सूट नहीं हो पा रही थी। ये आईपीएल है, बहुत बड़ी लीग है, आपको यहाँ पर जो है मतलब अपना जो है कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो चेन्नई की टीम मतलब बहुत बड़ा डाउट है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अगला सीजन खेलेंगे या फिर नहीं। अगर खेलते हैं तो मतलब उसमें तो कोई संकोच नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी ही कैप्टनसी करेंगे, लेकिन गाइस चांसेस आर वेरी हाई महेंद्र सिंह धोनी अगला सीजन भी खेलने वाले हैं। चेन्नई की तरफ से मतलब मैनेजमेंट की तरफ से जो है स्टेटमेंट आ चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी लाइकली टू प्ले वन मोर सीजन एंड ही इज़ ऑल सेट टू लीड चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई के लिए बहुत बड़ी खबर है। और आपको क्या लगता है गाइस, आप अपनी राय जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं पलटन यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम। तो मुंबई इंडियंस की टीम में भी कोई चेंजेस बहुत सालों तक हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। रोहित शर्मा जो है आपको कैप्टनसी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम की नजर आने वाले हैं, क्योंकि गाइस पिछले 10 सालों में जो है रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल टाइटल मुंबई इंडियंस की टीम को मतलब दिलाया है और बहुत सालों तक जो है मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट फ्यूचर का नहीं सोच रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि रोहित शर्मा से बड़ा कैप्टन आपको मिल नहीं सकता है। और आपको क्या लगता है गाइस, मुंबई इंडियंस की टीम का नेक्स्ट कैप्टन हो सकता है, कौन हो सकता है, आप अपनी राय जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब बात लेते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो दिल्ली की टीम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि गाइस दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कैप्टन ऋषभ पंत तो जो है अगले साल के ऑक्शन में, मतलब माफ़ करना, अगले साल के आईपीएल में जो है वापसी करने वाले हैं, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा हाईली चांस है उनके रिकवर होने के। और मुझे ऐसा लगता है अगर रिकवर हो गए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जो है मतलब वो वापसी भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और कैप्टनसी भी करेंगे। तो डेविड वार्नर की कैप्टनसी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस साल चमक नहीं पाई थी, लेकिन अगले साल जो है ऋषभ पंत वापसी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कमी खल रही थी मुंबई, मतलब माफ़ करना, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हम पंजाब किंग्स की टीम की। तो पंजाब की टीम में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, शिखर धवन आपको एज इट इज़ जो है टीम को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गाइस इस साल के आईपीएल में जो है बहुत अच्छा अप्रोच नजर आ रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ जो है कैप्टनसी कर रहे थे और बल्लेबाजी में भी जो है मतलब कोई कमी नहीं थी। तो शिखर धवन जो है आपको पंजाब की टीम के कैप्टन नजर आने वाले हैं। हालांकि आपके पास सैम करन का भी ऑप्शन है इस साल के मतलब आईपीएल में जो है इन्होंने बहुत 2-3 मैचेस में जो है कैप्टनसी भी करी थी, लेकिन गाइस मुझे ऐसा लग रहा है टीम जो है इंडियन कैप्टन के साथ ही जाने वाली है और पंजाब की टीम में जो है आपको कोई बदलाव नजर नहीं आने वाला है पंजाब की टीम के बाद। अब बात कर लेते हैं हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। तो आरसीबी की टीम जो है मतलब फैफ डुप्लेसिस के साथ ही जाने वाली है, क्योंकि डुप्लेसिस क्वालिटी कैप्टन है और इस साल के आईपीएल में आपको जो है मतलब अच्छी कैप्टनसी करते हुए नजर आए थे, लेकिन अगले साल के आईपीएल में जो है इनके कोर में जो है ज्यादा बदलाव आ सकते हैं और कैप्टनसी में भी जो है मतलब कोई चेंजेस नजर नहीं आ सकता है। हालांकि विराट कोहली का ऑप्शन है, लेकिन विराट कोहली पर जो है मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है क्या वो कैप्टनसी करेंगे या फिर नहीं, बल्लेबाजी का भी प्रेशर रहता है। तो आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम पिंक आर्मी यानी कि राजस्थान के रजवाड़ों की। तो राजस्थान की टीम भी जो है सेम कैप्टन के साथ जाने वाली है, संजू सैमसन जो है एज इट इज आपको नजर आने वाले हैं। संजू सैमसन की कैप्टनसी में जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल का फाइनल भी खेला है 2022 में और अच्छी लीडरशिप कर रहे थे, वो कमिटमेंट नजर आ रहा था उनमें भी। और मुझे ऐसा लग रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां से कोई बदलाव करने का सोचेगी भी नहीं, क्योंकि गाइस बहुत अच्छे कैप्टन है, विकेट कीपर कैप्टन है, आपको जो है एडवांटेज
एडवांटेज मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है गाइस, राजस्थान रॉयल्स की टीम में मतलब कैप्टनसी में बदलाव आ सकता है या फिर नहीं, बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। तो लखनऊ की टीम में जो है मतलब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि गाइस केएल राहुल जो है वापसी करने वाले हैं, कृणाल पांड्या जो है कैप्टनसी नहीं करने वाले अगले साल। केएल राहुल की कैप्टनसी में जो है अच्छी खेल रही थी लखनऊ की टीम, लेकिन थोड़ा बहुत कृणाल पांड्या के आने से जो है वो मोमेंटम टूट गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है केएल राहुल वापसी भी करेंगे, बहुत अच्छी वापसी भी करेंगे और अगले साल जो है अपनी टीम को लीड भी करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है गाइस, कृणाल पांड्या या फिर केएल राहुल, बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम आवादे यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम की। तो गुजरात टाइटंस की टीम में भी कोई बदलाव नजर नहीं आने वाला और अगले 10 सालों तक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या ही गुजरात टाइटंस की टीम को लीड करने वाले हैं। इसमें कोई शक संदेह दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संकोच नहीं है, मतलब जो भी बोलो आप कहना चाहो मतलब कह सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या अगले 10 सालों तक जो है गुजरात टाइटंस की टीम को लीड करने वाले आराम से, क्योंकि पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा सक्सेस का राज यही है इनकी कैप्टनसी, साथ ही साथ इनका प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चमका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हार्दिक पांड्या जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम पर्पल आर्मी यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। तो केकेआर की टीम में बहुत बड़ा बदलाव नजर आने वाला है अगले साल जो है। केकेआर की टीम में श्रेयस अय्यर वापसी कर लेंगे और कैप्टनसी भी करने वाले हैं। तो नीतीश राणा जो है ऑटोमेटिकली मतलब स्टेप डाउन हो जाएंगे और श्रेयस अय्यर जो है उनकी जगह ले लेंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है मतलब रिकवर होने वाला है बिफोर वर्ल्ड कप 2023 और अगले साल जो है केकेआर की टीम को लीड भी करने वाले हैं। आपको क्या लगता है गाइस, नीतीश राणा या फिर श्रेयस अय्यर, बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस ये तो थे वो कैप्टन जो कि आईपीएल 2024 में जो है अपनी टीम को लीड करने वाले हैं। एसआरएच की टीम में, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, केकेआर की टीम में और चेन्नई की टीम में जो है चेंजेस आ सकता है अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलते तो। तो आपको क्या लगता है गाइस, महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या फिर नहीं, आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी सब टीमें जो है सेम कैप्टन के साथ ही उतरने वाली है। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।